हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर फूड खजाना विद करण में। वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं हेल्दी डिनर रेसिपी। आज हम दाल और साग दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये बहुत पौष्टिक भी है। तो हमने लिए हैं पोरो के साग, जिसे हम कई जगह पोई के साग भी बोलते हैं। ये हम चने की दाल में मिक्स करके बनाएंगे और ये साग और ये दाल मिक्स करके काफी हेल्दी और टेस्टी हो जाते हैं। तो हमने साग को अच्छे से काट लिया है और हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमने साग को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से हमने इसे धो लिया है और हमने चने की दाल उसे भी अच्छे से धो लिया है। हमने एक कप चने की दाल ली है और अच्छे से धो के हमने उसे कुकर में डाल दिया है। और हम चने के बाद जो हमने साग को काट के रखा है, पोरों के साग को जिसे हम पोई भी बोलते हैं, उसको हमने डाल दिया है कुकर में। और हम कुकर में पानी डाल देंगे 500 ml के करीब, 500 से 600 ml हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे, बड़ा चम्मच नहीं। और हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और हम कुकर को गैस पे चढ़ा देंगे। चने की दाल है तो हमें इसे थोड़ा ज्यादा पकाना होगा। हम इसे लगभग 5 से 6 सीटी आने तक हम इसे हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। इसमें बाकी सीटी लग चुकी है, मैं आखिरी सीटी लगा रहा हूँ और ये हमारी दाल लगभग बनके तैयार है। अब सीटी को हम ठंडा होने देंगे। जब तक हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे काफ़ी सारा लहसुन और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। और हमने कुकर को खोल दिया है। अब और दाल हमारी काफी अच्छी बनी है और अब हम दाल का सारा पानी निकाल लेंगे करछी के मदद से और दाल को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दाल को हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे अच्छे से। दाल हमारी मिक्स हो चुकी है और अब हम इसमें जो हमने इसका पानी निकाला था दाल का, वो पानी हम इसमें वापस ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें बस तड़का लगाना है एक छोटा सा। सबसे पहले हमने कढ़ाई गैस पे चढ़ाई है और उसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा सरसों का तेल और तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे अच्छे से। और उसमें हमने डाल दिया है जीरा और फिर उसमें हमने डाल दिया है जो सूखी लाल मिर्च हमने ली है उसको तोड़ के हमने डाल दिया है और लहसुन हमने उसमें काट के डाल दिया है। लहसुन को हमने फाइनली चॉप किया है और हमने एक मीडियम साइज प्याज भी लिया है जिसे हमने फाइनली चॉप करके डाल दिया है। इसको हम थोड़ा पकाएंगे
और फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। और इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा तड़के में। और दाल में हमारे पहले से नमक है और हम दाल को तड़के में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो दाल कितनी अच्छी लग रही है। ये दाल काफी टेस्टी, हेल्दी, बहुत ज्यादा इजी रेसिपी है। इस दाल को बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही टेस्टी है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।